दुनिया में वे बातें ज़्यादा बोली जाती है जो लोग सुनना चाहते हैं। लोगों के सपनों में ऐसी चीज़ें पहले से ही होती हैं, जैसे कि कार, बंगला, पैसा, विलासितापूर्ण जीवन। और जब भी इस तरह के सपने की बात की जाती है तो लोगों को बहुत पसंद आती है, जबकि ये सपने कोई सपने नहीं हैं, ये तो इंसान के मन की कमजोरी है। इन सपनों की वजह से कोई भी इंसान सही रूप में संकल्पबद्ध नहीं हो पाता है। बहरहाल, पैसा कमाने की मशीन जरूर बन जाता है। उन्हें अपने काम से प्यार नहीं होता, बस उनका सपना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना बन जाता है। इससे काम करने में न उतनी गुणवत्ता आ पाती है और न ही आनंद। हकीकत क्या है इसे समझते हैं। हर इंसान की ज़िंदगी को एक उत्प्रेरक शक्ति चलाती है, यानी एक ड्राइविंग फोर्स चलाती है। इसी की वजह से इंसान काम करता है। एक भूखे आदमी की उत्प्रेरक शक्ति उसकी भूख होगी, वह जो भी काम करेगा रोटी के लिए करेगा। किसी को अपनी बेटी की शादी करनी है तो उसके हर काम के पीछे एक ही उद्देश्य होगा कि बस मैं अपनी बेटी की शादी की व्यवस्था कर सकूं। किसी को संगीतकार बनने की इच्छा है तो वह सारे कार्य उसी के लिए करेगा। ये जो उत्प्रेरक शक्ति है, यही इंसान की ज़िंदगी की दिशा को निर्धारित करती है। कोई RCM में आकर पैसे या विलासिता का सपना देख रहा है तो ऐसा लगता है जैसे कोई हीरे की खान में जाकर कांच के टुकड़े खोज रहा है। RCM में सपने कुछ बेहतर होने चाहिए, जैसे अच्छा समाज बनाने का सपना, लोगों का प्यार पाने का सपना, लोगों से प्यार करने का सपना, लोगों को खुशहाल बनाने का सपना, अपने व्यक्तित्व को शानदार बनाने का सपना, ईमानदारी व सेवा भावना से जीवन जीने का सपना। इस तरह का सपना होगा तो निश्चित रूप से उत्प्रेरक शक्ति उसी तरह काम करेगी। काम करने में जो सोच विकसित होगी उससे काम की गुणवत्ता में बहुत बड़ा अंतर आएगा, इंसान के स्वभाव में बहुत बड़ा अंतर आएगा। निश्चित रूप से हम समझ सकते हैं कि काम का आनंद कितना ज़्यादा आएगा। RCM में जब बहुत बड़े दिव्य सपने देखे और पूरे किए जाते हैं तो धन दौलत का ये मामूली सा सपना क्यों? जब जीवन में एक अति शक्तिशाली उत्प्रेरक शक्ति पैदा की जा सकती है तो ये मामूली सी उत्प्रेरक शक्ति क्यों? जहाँ हीरे पड़े हैं वहाँ कांच के टुकड़ों पर नज़र क्यों? जिस माध्यम से अपने जीवन को हर तरह से बेहतरीन बनाया जा सकता है तो फिर इसे मामूली सी पैसे कमाने की मशीन क्यों बनाया जाए? बाकी जीवन में इंसान की कुछ मजबूरी हो सकती है कि उसके पास ज़्यादा कुछ अवसर उपलब्ध ना हो, लेकिन जब RCM के रूप में ऐसा शानदार अवसर उपलब्ध है जहाँ जीवन का सब कुछ मौजूद है तो थोड़े में संतोष करने की आवश्यकता क्या है? RCM में आम से आम इंसान अपनी ज़िंदगी को श्रेष्ठतम बना सकता है। इसलिए अच्छा सपना बनाएं और अपने भीतर अच्छी उत्प्रेरक शक्ति पैदा करें। धन्यवाद।